नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2024 को अब बस ज्यादा दिन बचे नहीं है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं आईपीएल 2024 को लेकर। तो ऐसे में एक रिपोर्ट सामने आई है, ऐसी दो टीमें हैं जिन दो टीमों बल्कि मैं तो बोलता हूं कि ऐसी तीन टीमें हैं जिन तीन टीमों में विदेशी खिलाड़ियों को लेकर खलबली मची हुई है, जिन तीन टीमों के सारे विदेशी खिलाड़ी बढ़िया कर रहे हैं, जिन तीन टीमों के विदेशी खिलाड़ियों ने तूफान मचाया हुआ है। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई साहब, चार विदेशी खिलाड़ी कौन से खिलाए जाएंगे? तीन टीमों में खलबली मची हुई है, तीन टीमों के साथ बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बवाल मचा हुआ है तीन टीमों में। चलिए तीनों टीमों के बारे में बताता हूं। सबसे पहली टीम सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद में स्टार विदेशी खिलाड़ियों की पूरी भरमार है। आप मार्क्रम की बात कर लीजिए, ट्रेविस हेड की बात कर लीजिए, क्लासन की बात कर लीजिए, फिलिप्स की बात कर लीजिए, आप उसके बाद में आप हसरंगा की बात कर लीजिए, आप पैट कमिंस की बात कर लीजिए, आप मार्को जेंसन की बात कर लीजिए, सारे के सारे स्टार खिलाड़ी हैं और सारे के सारे विदेशी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि भाई साहब, किसको खिलाया जाए? इन आठ खिलाड़ियों में से किन चार खिलाड़ियों को खिलाया जाए? यह सनराइजर्स हैदराबाद बड़ी टेंशन में है और बड़ी परेशानी सनराइजर्स हैदराबाद को है कि भाई साहब, इन खिलाड़ियों में से कौन से चार विदेशी खिलाड़ियों को खिलाया जाए, क्योंकि सारे के सारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद में दूसरी टीम है राजस्थान रॉयल। राजस्थान रॉयल की बात करिए, जोस बटलर हैं, जोस बटलर के बाद में फरेरा हैं, फरेरा के बाद में आप आपके शानदार तरीके से पावेल हैं, पावेल के बाद में आप मध्यम क्रम में वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं, उसके बाद में हेटमैन, उसके बाद में आप एडम जेम्पा हैं, एडम जेम्पा के बाद में आपके ट्रेंट बोल्ट हैं, ये तमाम जो खिलाड़ी हैं ये बहुत बेहतर कर रहे हैं। आप कोडमोर हैं, कोलिन कोडमोर, ये सारे विदेशी खिलाड़ी जो है शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, सारे के सारे विदेशी खिलाड़ी जो है वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, किनको खिलाया जाएगा? ये राजस्थान रॉयल भी बड़ी टेंशन में है कि भाई साहब, कौन से विदेशी खिलाड़ी को खिलाया जाए, किसको रखा जाए, ये राजस्थान टेंशन में है। तीसरी टीम है केकेआर। केकेआर की टीम में भी बड़ी टेंशन है भाई साहब। अब आप जेसन रॉय को ले लीजिए, रहमानुल्लाह गुरबाज को ले लीजिए, आप उसके बाद में आप आंद्रे रसल को ले लीजिए, सुनील नरेन को ले लीजिए, आप रदरफोर्ड को ले लीजिए, आप मिचेल स्टार्क को ले लीजिए, आप मुजीब को ले लीजिए, आप चमीरा को ले लीजिए, यार सारे के सारे स्टार खिलाड़ी हैं, सारे के सारे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, सारे के सारे खिलाड़ियों ने तूफान मचाया हुआ शानदार तरीके से खेल रहे हैं। तो यहां पर सवाल खड़ा होता है, इन तीनों टीमों में कौन से चार खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।